सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। यादव डेयरी फार्म रेगुलर आपको अच्छी क्वालिटी का पशुधन दिखाने के प्रयास में हर उस पशुपालक तक पहुंचने का काम करते हैं जो चाहे एक पशुधन तैयार करने वाला हमारा साधारण किसान हो या जो ब्रीडिंग पे काम करने वाले हैं या मोस्टली जो वीडियोज हैं व्यापारिक वर्ग के यहाँ से होती है। हमारा प्रयास पशुपालकों के लिए एक उत्तम दर्जे का पशु दिखाने का रहता है और आज हम कहेंगे एक मिलावटी जो दूध का दौर चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं हम अपनी वीडियोस के माध्यम से अच्छा पशु दिखा के और चाहते हैं कि हर पशुपालक, हर जो किसान है या किसी भी वर्ग से, चाहे वो सर्विस करने वाले हों, एक आम जरूरत है जो पशुपालकों की दूध की, उसको कहीं ना कहीं पूरा करने में सबसे ज़्यादा सहयोग करने वाली जो नस्ल है वो मुर्रा मानी गई है, क्योंकि इसमें सुंदरता के साथ साथ जो दूध की कैपेसिटी है वो भी काफ़ी अच्छी रही है, शांत स्वभाव की, और मैं कहूँगा एक अच्छी नस्ल में काउंट हुई है जिसमें सभी गुण हैं, सुंदरता, दूध भी, और आज इसकी जो डिमांड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जो पशुधन आप कैमरे के सामने देख पा रहे हैं इसके बारे में डिटेल से पूछेंगे। उससे पहले जो भी भाई इस कवरेज को पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के जो पशुधन है वो आपका उस जो वीडियो हम अपलोड करें उसके जो नोटिफिकेशन रेगुलर आपको मिलता रहे। आज की वीडियो युवा पशुपालक हैं हम कहेंगे एक अच्छे पशुधन का सिलेक्शन बार बार करके लेके आ रहे हैं, तो भाई से पहले मिलवाएंगे और डिटेल से इस पशुधन के बारे में जानेंगे। नमस्कार आशीष भाई। नमस्कार भाई मंजीत। आज कितने पशु दिखा रहे हो? एक ही जोटी? आज एक ही जोटी है भाई साहब। कौन से ब्यात की है जोटी? ये भाई साहब पहले ब्यात की है, दो दांत जोटी है। दो दांत? तो लगभग अपने फार्म पे आए कितना टाइम हो गया? आज इसको लगभग 16 दिन की ब्याई है भाई साहब। 16 दिन की? हाँ जी। और जो जहाँ से आपने खरीदी थी पहले, हाँ जी, वहाँ इसकी मदर का मिल्क कितना बताया? जहाँ से रिकॉर्ड है भाई साहब, HLDB रिकॉर्डेड है 20 लीटर की। 20 लीटर की? हाँ जी। तो अभी ये जोटी दांतों में कैसे है? दांतों में दो दांत है भाई। दो दांत, साथ में इसके काफ क्या है? मेल काफ है। मेल काफ। सबसे पहले जो इसके दांत है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये देख सकते हैं, एक बार थोड़ा ठीक से खोलो, उंगली डाल लो साइड में, साइड में मुंह में उंगली लगाओ जब अपना आप खोल लेगी। दो दांत जोटी है और पहले ब्यात की। सबसे ज्यादा डिमांड हर पशुपालक चाहता है कि हम अगर पशुधन खरीदते हैं तो एक ऐसा पशु खरीदें जिसको हम रहने दो फिर नहीं दिखा रही दो, लगभग लंबे टाइम तक उस पशुधन को रख सकें। दो दांत जोटी है क्योंकि कैमरे में शायद कम दिखाई पड़े हों, लेकिन मैं आप भाइयों को बताना चाहूंगा ओरिजिनल दो ही दांत जोटी है। आज मौके पे कितना दूध तैयार है? 13 लीटर है भाई। 13 लीटर, तो लगभग आपका भी एक पर्सनल अनुभव है, कितना दूध निकाल देगी ये? देखो भाई मंजित, ऐसी है बात, खार की जोटी का किसी को नहीं पता होता। जी जी। खार की जोटी 40-45 दिन तक दूध बनाती है। जी जी जी। मन माना ये आज 13 लीटर पर ये 17 लीटर भी कर दे। जी जी। क्योंकि इसके थनों का स्पेस और वो ओडी अभी बाकी है भरनी। जी जी। तो अभी आज मौके का 13 लीटर हम मान सकते हैं, 13 लीटर दूध, दो दांत जोटी, पहले ब्यात की सुंदरता आप देख सकते हैं, बिल्कुल छोटे सींग की, छोटे हेड की। बारंबार प्रयास पहले ब्यात की जोटियां हैं उनकी काफी ज्यादा डिमांड है, काफी पशुपालक ऐसे हैं जो स्पेशली फोन करते हैं कि पहले ब्यात की जोटी चाहिए ताकि 3-4 ब्यात तक रेगुलर रख सके। वैसे बिल्कुल ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ये देख सकते हैं स्वभाव, जिसके लिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हमारी जो मुर्रा नस्ल है इसको काफी ज्यादा जो इसकी डिमांड है इसी कारण है, दूध के साथ साथ में ब्यूटी, और ये स्वभाव वाइज काफी शांत होती है। पहले ब्यात की जोटियां लगभग एक महीने तक, हाथ लगाना तो दूर 10-15 दिन तो वैसे ही लात मारती है, लेकिन शांत स्वभाव की। आर्डर की क्वालिटी आप देख पा रहे हैं, जो थन है काफी शानदार, ये देखिए, क्योंकि काफी पशु ऐसे होते हैं जिनके थन पसमाव के बाद टेढ़े हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल सीधे और साफ सुथरे थन है। जी जी। और साथ में जो काफ आप देख पा रहे हैं आगे, काफी हेल्दी, अच्छा खासा दूध पिला रहे हैं भाई इसको। और ये देखिए, जो हमारे यहाँ पे मोस्टली जो काफ है वो भैंस के साथ बांधते हैं, तो चाहे 5 दिन का बच्चा हो वो भी चारे को वैसे खा नहीं रहा, लेकिन इस तरह से लग रहा है जैसे वो कर रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे काफी भाई पूछते हैं अच्छे काफ कैसे तैयार हो जाते हैं, तो सबसे बड़ा कारण यही है कि जो भैंसे हैं उनके साथ में काफ को बांधा जाता है और वो लगभग उसको देखते देखते धीरे धीरे मिट्टी की बजाय चारे पे लग जाते हैं। एक बार इसको खोल के ले आओ भाई सब। पहले ब्यात की दो दांत जोटी, मैं कहूंगा इतनी सुंदरता,
ये जो भाई बोलते हैं व्यापार करने वाले होते हैं तो सिलेक्शन होता है सबसे बड़ी चीज। जो टीका आप देख सकते हैं चेहरे की बनावट और बच्चे के लिए थोड़ा दूर जाने के लिए कर रही है, ले चलो वापिस, बिल्कुल शांत स्वभाव की ये देखिए। और जो इसकी आर्डर की क्वालिटी है पीछे से ये देख सकते हैं, पैर के बीच का टाइट आर्डर बिल्कुल फंसा हुआ, पीठ की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा, बांध लो भाई साहब बांध लो, पीठ की चौड़ाई है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो आशीष भाई का जो एक बार संपर्क नंबर है वो भी हम पूछना चाहेंगे ताकि जो पशुपालक इस पशुधन को लेना चाहता है वो संपर्क कर सके। भाई साहब अपना मोबाइल 99-671-84-00 99-671-84-00 दूसरा नंबर है 97-280-84-768 जी जी ये व्हाट्सएप नंबर है जी। तो रेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, रेट भाई साहब? रेट मौके पे दूध के साथ साथ में, बिल्कुल जी। काफी भाई कमेंट में लिखते हैं कि मौके का रेट क्या होता है, आज जोटी में 13 किलो दूध है, कल कोई यही जोटी 15-16 किलो दूध पे भी चली जाए तो रेट मौके का ही होता है, जिस मौके पे जितना दूध है वही रेट हम पशुपालकों को बताना चाहेंगे मान्य होता है। क्योंकि पहले ब्यात की 1-2 लाख ऐसे भाव होते हैं, लेकिन एक उम्मीद करेंगे कि एक ऐसे जायज भाव में भाई इसको बेचने का प्रयास करें जिसमें एक आम पशुपालक के बजट में ये हो। तो आम बजट में होगी भाई, रेट में कोई रेट नहीं है कि भाई मैं इसके 2 लाख मांग लूं। जी जी ठीक है, बिल्कुल जायज रेट में। और जो धन के छर्रे की पपैये की सब चीज की गारंटी। जी जी, तो चुवाई की गारंटी ले रहे हैं, साफ सुथरी चुवाई है, कोई भी भाई खरीदना चाहता है वो इनसे संपर्क कर सकता है। हम आपको एक पशु दिखाने का एक माध्यम मात्र हैं, बाकी आप पशुपालक कहीं से भी पशु लें अपनी संतुष्टि करके लें। बिल्कुल शानदार जो क्वालिटी की जोटी दिखाई इसके लिए हम भाई का धन्यवाद करते हैं। सभी भाई वीडियो में जुड़े, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।